ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਮਨੂ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਬਿਲੋ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਰਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਰਮਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:30 ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸੜ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚੱਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਆ ਆਫ ਦ ਰੋਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਬਸ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਫਤਾ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਿਪ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਦ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸੜ ਜੀ ਆਉਗੇ ਜਰਮਨ। ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ USA ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। बीस पच्चीस मिनट लगेंगे अभी। बस 20-25 मिनट का सफर हो और फिर एयरपोर्ट, फिर उसके बाद 11:45 की फ्लाइट है, 11:10 का सफर फ्लाइट में। फिर पहुंचेंगे हम फ्रैंकफर्ट। वो जी समुंदर चेक करो, समुंदर ही है दूर दूर तक। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਆ ਉਧਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਪੂਰਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜੀ। Yeah, San Francisco. San Francisco ka bus, fir uske baad check in karani hai, bhag dod hai bas wahi pe। आए थे घूमेंगे, बहुत घूमते घूमते 2 हफ्ते पता नहीं चले कहाँ निकल गए।
हाँ, 2 हफ्ते तो ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो गए। लो जी, एयरपोर्ट आ गया, अब लगाने लगे हैं पार्किंग में गाड़ी। ओ राजी, सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ जी, चल जाने। हाँ जी, बहुत असि अच्छा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, चेक इन कर लिया हमने। ये मास्टर जी यहाँ है, बस अब हम अपना गेट की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ पे मैं इमिग्रेशन क्लियर करूँगा, उसके बाद हम इमिग्रेशन के बाद फिर ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे घर। ये है फाइन, फिर हम जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। और देखते हैं अभी आगे, सफर अभी शुरू होगा, गया 1:45 पे। तो ये मास्टर जी हमारे, देख लीजिए सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। इमिग्रेशन होगी क्लियर, चेक इन हो गई है, बस अब ड्यूटी फ्री है आगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे गेट की तरफ, धीरे धीरे से थोड़ा ड्यूटी फ्री घूमेंगे और आपको दिखाता हूँ ड्यूटी फ्री कैसे ही होगी। हेलो जी, पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं गेट नंबर पे अपने, और लगभग आधे घंटे में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। बस बैठे हैं यहाँ पे, पीछे फ्लाइट है, बस 1:45 पे ये टेक ऑफ होगी। ड्यूटी फ्री यहाँ पे इतना है नहीं खास लगानी मुझे, तो मैंने कहा जर्मनी एयरपोर्ट पे जाएंगे, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा घूमेंगे। और घूमने वाले ये यहाँ पे बैठे हैं, मस्त लाउंज में लोग बैठे हैं, पीछे पीछे फ्लाइट्स खड़ी हैं सारी। और बहुत अच्छा रही वैसे का ट्रिप। ये लोग आ रहे हैं, यहाँ भीड़ नहीं है, नीचे बैठे होंगे लोग मेरे को लगता सारे। ये देखिए बाहर का व्यू देखिए, ये हमारी फ्लाइट, इसमें हमें जाना है। आए थे फ्लाइट में, खाना अच्छा मिलता है, इतनी बेकार नहीं थी, बढ़िया थी मतलब फ्लाइट तो, बट सफर लंबा है, बस 11 घंटे 7 मिनट का। चलो ये भी कट जाएगा, कुछ वीडियोस एडिट करेंगे बैठ के, फिर ये भी कट जाएगा। फ्लाइटें लगी हुई हैं, ये हमारी लगी हुई है। चलिए अभी अब करता हूँ एंट्री, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा वीडियो, और बाकी फ्लाइट में बैठ के देखता हूँ। हाँ जी, पहुँच गए हैं जी जर्मन, जिसने देश की नेशनलिटी है वहाँ आ गए हैं वापसी। हम एयरपोर्ट पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, एक तो बैग भारी थे, एक पिट्ठू बैग था मेरे पास वो इतना भारी, उसमें कैमरे थे और मेरे पास 2 हैंडबैग थे, और मेरा एक बैग गुम गया और उसको ढूंढने में मेरे को 2 घंटे लगे वहाँ पे, इधर उधर भाग भाग के इधर उधर, फिर बैग क्लेम वाले वहाँ पे गया, वहाँ पे वहाँ से मिला मुझे जाके, बेचारा लवारिस रुल रहा था वहाँ पे बैठा एंड में जाके। ट्रेन अगर मेरे को बैग ना मिलता, मैं वहाँ ना जाता एंड में जाके, तो मेरा बैग समझ लो मैं, मेरी ट्रेन मिस हो जाती। एंड मौके 15 मिनट पहले मेरा बैग मिला, फिर मैं जाके सांस लिए पानी लेके बैठा फिर आराम से ट्रेन स्टेशन पर थोड़ी देर। ट्रेन आई फिर मैं बस ट्रेन में सोता ही आया हूँ अपने डॉर्टमुंड तक, उसके बाद ये मैडम मुझे लेने आई है, ये मिली है इस मैडम से। बस
बस अब घर की तरफ जा रहे हैं, आ गए हैं जर्मनी में। अब सुबह से अपना मंडे से, सॉरी नहीं सुबह से नहीं, मंडे से हमारा रूटीन शुरू है दोबारा काम का। और फिर ये थोड़ा सा यहाँ का भी व्यू देख लीजिए, ठंड हुई पड़ी है, -1 है यहाँ पर, -1 degree है यहाँ पे टेम्परेचर। वहाँ पे गर्मी थी, धूप थी, वहाँ पे तो हुडी भी नहीं पड़ती थी, जैकेट तो पहननी दूर की बात है, यहाँ मोटी जैकेट चढ़ा रखी है हमने। ओके जी, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम इतना लंबा नहीं खींचते पहली वीडियो की तरह। और अपना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे, और भी अच्छी अच्छी वीडियो में मिलेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे आगे। धन्यवाद।